आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में विगत कई वर्षों से ड्रेनेज लाइन की समस्या बार बार उभर कर सामने आ रही थी, जिसके निराकरण का हवाला देकर प्रशासनिक अधिकारियों एवं हाउसिंग बोर्ड खंडवा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पी के मेहता द्वारा शुक्रवार दोपहर 1 बजे कॉलोनी के सामने अतिक्रमण में बनी करीब 10 दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। देखिए बड़वाह से आजाद हिंदुस्तान लाइव पर पूरी खबर। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के ड्रेनेज समस्या के निराकरण को लेकर अतिक्रमण की हटाई 10 दुकान। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित नाले पर बनी दुकानें यथावत, कॉलोनी वासियों में दिखा आक्रोश। खरगोन जिले के बड़वाह स्थित हाउसिंग बोर्ड की रिक्त भूमि पर आगामी माह में भवन निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसके सामने अतिक्रमण में बनी 10 दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई, जबकि हाउसिंग बोर्ड में उभर रही ड्रेनेज समस्या के समाधान को लेकर नाले पर बनी दुकानों को यथावत छोड़ दिया गया। हालांकि इन दुकानों को लेकर कॉलोनी की कई महिला पुरुषों ने विरोध कर अन्य दुकानें हटाकर हाउसिंग बोर्ड की ड्रेनेज समस्या हल करने की बात महिलाओं ने अधिकारियों से कही, लेकिन अधिकारियों द्वारा आगामी दिनों में उन शेष दुकानों को हटाने की बात कही। आपको बता दें, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लगी अन्य कई कॉलोनियों का गंदा पानी हाउसिंग बोर्ड की रिक्त भूमि पर एकत्रित हो रहा है, जिसकी निकासी को लेकर अधिकारियों द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि केवल नवीन भवन निर्माण होने वाली प्रस्तावित जमीन के सामने अतिक्रमण हटाया गया, जिससे हाउसिंग बोर्ड के रहवासियों में आक्रोश देखा जा रहा है। अब इस कार्यवाही में देखने वाली बात यह होगी कि क्या वास्तविक अधिकारी कॉलोनी की ड्रेनेज समस्या का निराकरण कर रहे हैं, या किसी निजी स्वार्थ के लिए केवल 10 दुकान द्वारा अतिक्रमण बताकर उन्हें अपने रोजगार से बेदखल किया जा रहा है। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। अतिक्रमण जो है मंडल की जो व्यावसायिक भूमि है, इसके सामने दुकानें बनने से उसकी जो अप्रोच है वो सब पूरी तरह से बाधित हो रही थी। साथ ही जो है यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी जो है इससे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। इसके संबंध में बारंबार हितग्राहियों द्वारा यहाँ पे कंप्लेंट की जा रही थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए सारी कार्रवाइयाँ की गई है, इसमें प्रशासन का सहयोग लिया गया है। प्रशासन द्वारा जो है इस चीज़ को देख के, सब चीज़ को समझ के, उन्होंने जो है सक्षम न्यायालय के आदेश के पालन में उक्त दुकानों का जो है यहाँ से हटाई गई। सर, ये जो दुकान है ये भी जो है अब इसकी कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है, और शीघ्र ही इसके ऊपर भी जो है मतलब इसको। सर, कितनी दुकानें टूटना थी और कितनी टूटी हैं अभी इसमें? यहाँ पे 10 दुकानें थी और 10 दुकानें उनको जो है सबको हटा दिया गया। इनको कहाँ भेजा जाएगा सर? इन्होंने तो अतिक्रमण जो किया हुआ तो अतिक्रमण वालों को हटाने को ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। सर, पूर्व में 18 लाख का काम हुआ था नाले का, ड्रेनेज का, उसके बाद ये समस्या उभर रही है, तो ठेकेदार पर क्या कार्रवाई की? ये जो है कार्य जो है आज से 2 वर्ष पूर्व हुआ था, उसके बाद 2 वर्ष तक लगातार सब व्यवस्थित चलता रहा है। इस वर्ष जो पानी के इसमें जो लोगों ने यहाँ इंद्राइयों ने समस्या बताई है, इसके लिए चूंकि हस्तांतरित हो चुकी है कॉलोनी, तो इसका जो है पंचायत को भी बता दिया गया है, उनके स्तर से ये कार्रवाई उनको की जाना है। और मंडल जो है इसके लिए बारंबार उनको जो है कहता रहता है कि आप जो है इसको कार्रवाई करें, यहाँ पे जो भी जो इनका ड्रेनेज सिस्टम है इसमें अगर कुछ बाद में हुआ है तो उसको ठीक करवाएं। गंदगी, ये जो नाला है, जो चेंबरों का पानी जो बह रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है, हमारी ये समस्या मेन तो हमारी यही समस्या है। आज 7 दुकानें टूटे हैं। ये हाउसिंग बोर्ड खुद अपने लिए लगा हुआ है। हाउसिंग बोर्ड के जो अधिकारी वो अपने लिए लगे हुए, लेकिन कोई जनता के लिए लगे हुए। हाउसिंग बोर्ड ने जो ये खर्च करे हैं, ये हमारे कृष्ण मुरारी मोगे जी ने जो दिए हैं यहाँ पर, वो हाउसिंग बोर्ड ने खर्चे किए। हाउसिंग बोर्ड ने कहाँ खर्चे किए, क्या खर्चे किए, ये तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये और भी जनता से आप पूछ लीजिए, हमारे हाउसिंग बोर्ड वालों से पूछ लीजिए कि कोई उससे कोई निराकरण हुआ है कि कोई निराकरण हुआ? समस्या बढ़ गई, कोई समस्या का हल नहीं हुआ, बल्कि समस्या और बढ़ गई है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा, वो भी ड्रेनेज का घुस रहा। बारिश का तो जाने दो, बारिश तो जब थी, लेकिन अभी तो ड्रेनेज का घरों में घुस रहा है ना। आप ये घर देखिए, ये महेंद्र खेड़ेकर का, सिर्फ यहाँ पर 2 महिलाएं रहती, इनके घर में कोई जेंट्स नहीं है, लेकिन वहाँ बीमारी कितनी आप देखिए। ये सारा का सारा पानी ये ड्रेनेज का पानी। क्या हाउसिंग बोर्ड को ये नहीं दिखाई दे रहा? क्या हमारे अधिकारियों को ये नहीं दिखाई दे रहा? आज तुम दुकानें हटाने के लिए आ गए हो, तो दुकानें हटाने को ये कोई समस्या नहीं थी हमारी। और दुकानें किस लिए हटाई जा रही? दुकानें हटाई जा रही है सिर्फ ये जो प्लाट बिकने जा रहा है, ये हाउसिंग बोर्ड बेच रहा है, और ये भी करोड़ों की जमीन है, और जो भी लेगा उन्होंने फ्रंट मांगा है, इस करके वो दुकानें हटाई जा रही है। क्या हमारी समस्या के लिए हटाई जा रही? नहीं हटाई जा रही।